वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। डियर फ्रेंड्स, डिफरेंस बिटवीन रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ये दोनों ही टर्म जो हैं आपके इंडियन पिनल कोड में IPC में डिफाइन है। और ये बात करती हैं IPC में सेक्शन 339 में रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को डिफाइन किया गया है और सेक्शन 340 में आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को डिफाइन किया गया। छोटे से वीडियो में दोनों के डिफरेंस को समझते हैं। देखिए, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है, ये महिलाएं किसी रोड पर बैठी हुई हैं, उन्होंने यहाँ पर रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया, इट इज़ अ पब्लिक वे। हमारा देखिए, यहाँ पे सीधी सी बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आपको अंडर आर्टिकल 19 एंड 21, ये दोनों ही आपकी फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 19 कहता है कि इंडिया में कोई भी सिटीजन कहीं पर भी घूम फिर सकता है, जा सकता है, ये उसको फुल फ्रीडम है जहाँ वो ऑथराइज है जाने के लिए। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, लेकिन किसी को पब्लिक वे में जहाँ उसको जाने का लीगल राइट है वहाँ उसको जाने से रोक देना, वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कहलाता है। रिस्ट्रेंट मतलब किसी के जाने में रिस्ट्रिक्शन पैदा करना, रॉन्गफुल मीन्स जो इलीगल हो। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट मीन्स ऑब्स्ट्रक्टिंग अ मैन फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेयर ही हैज़ द राइट टू बी एंड वांट टू गो, जहाँ उसके पास अधिकार है जाने का, तो जहाँ जाना चाहता है वहाँ जाने से अगर आप उसको रोक देंगे तो उसे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कहा जाएगा। ये अगर मैं कन्फाइनमेंट की बात करूँ तो देखिए, रिस्ट्रेंट में क्या होता है कि अगर कोई इंडिविजुअल है, इसको आप एक डायरेक्शन में जाने से क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, स्टॉप। आप इधर नहीं जा सकते, आप इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, इस तरफ जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, लेकिन इधर नहीं जा सकते आप, यहाँ स्टॉप लगा दिया आपने, तो ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि चारों तरफ स्टॉप हो गए, एक लिमिट बना दी गई कि तुम इस लिमिट से बाहर नहीं जा सकते, तो वो उसे हम रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहेंगे। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में अ पर्सन इज रॉन्गफुली रिस्ट्रेन, उसको भी रिस्ट्रेन तो कर रहे हो आप, लेकिन कैसे कर रहे हो, बियॉन्ड सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स, कुछ एक पर्टिकुलर लिमिट से बाहर नहीं जाने देते हैं। जैसे किसी को अरेस्ट कर लिया गया तो ये जो महिला जेल में बैठी इनको बाहर नहीं जा सकती है, किसी रूम में किसी को लॉक कर दिया गया, किसी को पेड़ से बांध दिया गया, चेयर से बांध दिया गया, या किसी को ग्राउंड में ऐसे गन पॉइंट के ऊपर दूसरे आदमी ने क्या किया, पकड़ के रखा कि जाओगे तो तुम्हें गोली मार देंगे। यानी कि उसे एक पर्टिकुलर लिमिट से कहीं भी नहीं जाने देना, वो आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहलाता है। अब थोड़ा सा की डिफरेंस समझते हैं इनका। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि लॉ में इसका क्या प्रोविजन दिया गया है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट जो है ये आपका IPC के सेक्शन 339 में, इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 339 डिफाइन करता है। 339 से लेकर के 348 तक के जो प्रोविजन है वो दिए गए हैं। चैप्टर 16 ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी ऑफ IPC ये बात करता है, इसमें 339 से 348 रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट से रिलेटेड बात करता है। अब IPC में इसका क्या दिया गया डेफिनेशन कि हु एवर वॉलेंटियरली, बेर एक्ट ले लें और इसको हाईलाइट कर लें, कोई किसी को वॉलेंटियरली ऑब्स्ट्रक्ट करता है एनी पर्सन सो एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन इन विच दैट पर्सन हैज़ अ राइट टू प्रोसीड इज सेड रॉन्गफुली टू रिस्ट्रेंट दैट पर्सन। ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि मान लीजिए दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्या होनी चाहिए, वॉलेंटियर होनी चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे वॉलेंटियर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तभी चलेगी। दूसरा क्या है कि जब भी किसी का ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो उसे एक लीगल जहाँ पे राइट है उसका ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपके घर में घुस रहा है उसे आप रोक रहे हो तो वहाँ पे रॉन्गफुल स्टैंड नहीं है, इसीलिए एक्सेप्शन डाला गया है। ये कहता है कि द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ प्राइवेट वे ओवर लैंड और वाटर विच अ पर्सन इन गुड फेथ बिलीव्स, गुड फेथ मतलब जहाँ पे उस आदमी को ये विश्वास हो जाता है कि यहाँ मैं लीगली ऑथराइज हूँ इसको रोकने के लिए, मुझे लॉ ने इम्पावर किया कि मैं इसको यहाँ पे रिस्ट्रेन करूँ, ना जाने दूँ, तो उस केस में उसे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट नहीं कहा जाएगा। अब मान लीजिए किसी का खेत है खुद का, अब उस खेत में कोई जाने लगे तो उसे रोकेगा तो क्या है, वो लीगल है,
गुड फेथ में उसे रोका जा रहा है। सेक्शन 340 धारा 340 भारतीय दंड संहिता रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को डिफाइन करती है कि जब किसी को रॉन्गफुल रिस्ट्रेन किया जाता है, देखिए यहाँ भी क्या किया जा रहा है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन किया जा रहा है, लेकिन उसे कैसे किया जा रहा है, इन द मैनर एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड सर्टेन सरकमस्क्राइबिंग लिमिट्स इट सेट वॉलेंट रॉन्गफुली टू कन्फाइन दैट पर्सन, यानी अगर किसी को किसी तरफ भी आप नहीं जाने देंगे उसे रॉन्गफुल कन्फाइन कहेंगे। हम इसके द्वारा नेचर की बात करते हैं कि नेचर ऑफ ऑफेंस पे अगर आते हैं तो जो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, किसी को रिस्ट्रेन करना इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन जाने से किसी को रोक देना, तो इन दैट केसेस ये थोड़ा सा आपका लेस सीरियस है इन कंपेरिजन टू दी आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट थोड़ा सा ग्रेव नेचर का हो जाता है और इसके नेचर के ऊपर ही इसकी थोड़ा सा पनिशमेंट में भी डिफरेंस आ जाएगा। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट जो है ये एज पर सेक्शन 341 में इसका जो पनिशमेंट दिया गया है वो 1 month और आपका फाइन है। यहाँ पे फाइन जो है वो और में रहेगा और फाइन जो है वो कब तक कितना एक्सटेंड हो सकता है, 500 रुपये तक, 500 रुपीज़ तक का फाइन हो सकता है। ये जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल क्या होता है, जहाँ पुलिस वाला आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, ये हम CRPC के फर्स्ट कैड्यूल में पढ़ते हैं। बेलेबल है, बेल मिल सकती है इसमें आपको, पुलिस वाला ही आपको बेल दे सकता है। और ये कंपाउंडेबल भी है। क्या है कंपाउंडेबल, यानी कि इसको कंपाउंड किया जा सकता है। सेक्शन 320 ऑफ CRPC इसके बारे में बात करता है। अब आ जाते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट पे। देखिए कन्फाइनमेंट की जो पनिशमेंट्स हैं वो आपको सेक्शन 342 में नॉर्मल कन्फाइनमेंट की मिलेगी, जहाँ 1 year और फाइन है, और फाइन आपका यहाँ पे 1000 रुपीज़ तक जा सकता है। ये तो है नॉर्मल उसकी, क्योंकि इसके आगे देखिए जब हो जाता है कि अगर 3 दिन से कम किसी को आपने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा है तो ये सज़ा का प्रावधान है। अगर 3 दिन से ज़्यादा है, अब इसको समझिएगा, सेक्शन 343 ये कहता है अगर मोर देन 3 डेज है, क्या है मोर देन 3 डेज, किसी को 3 दिन से ज़्यादा आपने कन्फाइन करके रखा है, उस केस में जो सज़ा हो जाएगी वो डबल हो जाएगी, 2 year और फाइन, या फिर बोथ, दोनों हो सकते हैं। 344 में क्या होगा, पहला आया था 3 दिन का, दूसरा जो लिमिट आता है वो आता है अगर वो मोर देन कितना है, 10 डेज है, अगर 10 दिन से ज़्यादा किसी को कन्फाइन करके रखा है तो 1 साल और बढ़ा दीजिए, 3 year और फाइन, और बोथ 3 years एंड फाइन, यहाँ पे क्या रहेगा 3 years एंड फाइन, 3 साल के साथ। यहाँ पे देखिए 343 में फाइन जो है वो और में आता है, और यहाँ जो फाइन है ये आपका एंड में आता है, यानी कि फाइन भी लगेगा। उसके बाद आ जाइए 345 पे। 345 कहता है कि जब किसी के लिए इसका लिबरेशन के लिए रिट इशू कर दी गई है। रिट कौन सी इशू होती है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट की हम यहाँ बात कर लेते हैं। ये कह रहा है कि सेक्शन 345 ऑफ IPC का सेक्शन 345 क्या कहता है, रिट इशू कर दी गई हैबियस कॉर्पस के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 32 में या फिर आर्टिकल 226 में। इनमें रिट होती है 5 तरह की हमारी, उसमें एक रिट होती है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, यानी कि ब्रिंग द बॉडी, बंदी प्रत्यक्षकरण की जो हमारी रिट होती है वो अगर इशू कर दी गई और फिर भी इसको किसी ने रखा है तो यहाँ क्या किया जाएगा, जो रिट इशू कर दी गई है तो 2 साल प्लस हो जाएगा, 2 years प्लस इन द सेंस व्हाट, अगर 3 दिन से कम है तो 2+1, अगर 10 डेज से ज़्यादा है तो 2+3, जो पहले हमने बात की है 342, 343, 344 में, उसमें 2 साल प्लस हो जाएगा, ये याद रखिएगा। 345 किसके कम्बिनेशन में बात करता है, ये बात करता है 342, 343 और 344 की, इनके साथ में 2 साल की सज़ा आपकी प्लस में हो जाएगी इन केस ऑफ 345, ये आप याद रखिएगा। 347 यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी की प्रॉपर्टी लेने के लिए, टू एक्सट्रॉट द प्रॉपर्टी है, या किसी को इलीगल एक्ट करवाने के लिए, तो तब 347 पिक्चर में आ जाता है, जो बात करता है 3 years
एंड फाइन की। तो यहाँ तक आपने थोड़ा सा इसके डिफरेंस को समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्लियर हो गया होगा। इस पूरे चैप्टर पे एक अलग से वीडियो हमने बनाया है जिसमें आप और डिटेल में इसको देख सकते हैं। यहाँ हम जस्ट डिफरेंस इनके बारे में डिस्कस किए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर फिर भी आपको लगता है कि हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो प्लीज़ अपने सजेशन मुझे मेल करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपके सजेशन हमें मिलेंगे। और साथ ही आप टेलीग्राम पर जुड़ें जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप इंस्टा पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों को भी ये चैनल सजेस्ट करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।